जिसे देखो वो कंपेयर कर रहा है ओएनडीसी और जोमेटो स्विगी के मेन्यू रेट्स को। ओएनडीसी ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ओएनडीसी की मदद से, इसका नाम है ओएनडीसी 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 ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ONDC कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला इन बिग प्लेयर्स को, बल्कि उनकी मदद कर रहा है, क्यों हिला डाला ना? जहां 20% का प्राइस डिफरेंस आपको खुश कर रहा है, या तो मैकडॉनल्ड्स, KFC, बिरयानी खाने को मिलेगी, वो भी कम रेट में। लेकिन फिर क्यों मोतीलाल ओसवाल, जो कि स्टेक होल्डर हैं जोमेटो में, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ONDC अफेक्ट नहीं करेगा जोमेटो की ग्रोथ स्ट्रेटजीज को। हम सभी इस वक्त बायर्स और सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, लेकिन अब आप उन प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जैसे जोमेटो, स्विगी, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। तो उनके लिए ONDC एक अपॉर्चुनिटी बन के आता है। आइए इसे समझते हैं कैसे। ONDC आसान भाषा में एक ऐसा ओपन सोर्स नेटवर्क जहाँ चिंतन मार्केट और Amazon, राजू वड़ा पाव और बर्गर किंग, छोटा या बड़ा, एक ही प्लेटफॉर्म पे चीजों को बेच सकेंगे। जैसे अब्दुल का ऑल इन वन स्टोर है, वैसे ही ये अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक ऑल इन वन स्टोर है, सारी चीजें एक जगह पे। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे। मुझे ये एयरपॉड लेने हैं, तो मैं Amazon या Flipkart पे इसकी प्राइस चेक करूंगा। ज्यादा बचत के लिए मैं सोचूंगा कि ऑफलाइन मार्केट से ले लेता हूं, जहां मुझे प्राइस अच्छी लगेगी वहां से मैं खरीद लूंगा। लेकिन यहां आप शिकार हो जाते हैं डुओपॉली का। मेरे पास मैक्सिमम दो ही ऑप्शन बचे फिर, क्योंकि ऑफलाइन स्टोर मेरे घर से दूर है और भरी तपती धूप में मैं क्यों जाऊं। तो बचा Amazon और Flipkart। वहीं इंडिया में इस वक्त 19,000 से ज्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। वहीं एक स्मॉल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कांचा इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे ये एयरपॉड्स जो है वो 30% कम प्राइस में दे रहा था, लेकिन ना मैं उस तक पहुंच सका और ना वो मुझ तक। तो ONDC का पहला बेस पिलर आता है डिस्कवरेबिलिटी। हर बिजनेस के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए आपको चीप रेट्स में चीजें मिलेंगी और हर बिजनेस बड़े प्लेयर से कम्पीट कर पाएगा। दूसरा पिलर, जैसे जोमेटो या स्विगी, दो ही बड़े प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो ये अपने हिसाब से प्राइस को मैनिपुलेट भी करते हैं। ये आपने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब डिलीवरी बॉय आपकी लोकेशन से दूर होता है तो उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं, या नहीं मिलता तो भी बढ़ जाते हैं। वैसे ओला उबर के साथ ये देखने को ज्यादा मिलता है, और बहुत से एलिगेशन भी लगाए गए हैं जोमेटो और स्विगी पे उनके कमीशन रेट्स की वजह से। और हाल ही में स्विगी की वैल्यूएशन 33% से डाउन कर दी गई इन्वेस्टको द्वारा। तो वहाँ ONDC एक इंटर ऑपरेटर की तरह काम करता है, जहां एग्रीगेटर्स, रेस्टोरेंट्स, कस्टमर्स और डिलीवरी एजेंसीज एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो अगर जोमेटो या स्विगी का डिलीवरी बॉय मुझे नहीं मिलता है मेरी लोकेशन पे, तो मैं डंजो का सिलेक्ट कर सकता हूं और उनसे डिलीवरी ले सकता हूं। तीसरा पिलर आता है सबके लिए सब कुछ, जिसे मैं कहता हूं डोरेमोन एक्सेसिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिवागो, जहां एक होटल की प्राइसेस को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्या प्राइस चल रही है वो कंपेयर करके आपको बेस्ट प्राइस, वो प्राइस जो अफोर्डेबल लगती है, आप उस पे बुक कर लेते हैं। वैसे ही अब फूड, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सी अदर अदर कैटेगरीज में आपको ONDC में देखने को मिलता है। लेकिन इससे कनेक्ट कैसे करें, इसको यूज कैसे करें, बड़े प्लेयर्स इससे क्यों खुश है भाई? चार लोग ONDC से कनेक्ट कर सकते हैं बेटर एक्सपीरियंस के लिए, जिसमें आते हैं आपके मर्चेंट्स, पेमेंट प्रोवाइडर्स, लॉजिस्टिक्स और कंज्यूमर्स। लेकिन कैसे? फॉर एग्जाम्पल बोट जो है ONDC में सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट है, और वहीं क्राफ्ट्स विला जो है वो बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट है। तो बोट यहां सेलर्स के नेटवर्क के अंदर काम करेगा और रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि वो सेलर्स को ONDC नेटवर्क से जोड़े सेलर्स ऐप के द्वारा। वहीं क्राफ्ट्स विला जो है वो बायर्स को ONDC से कनेक्ट करेगा अपने बायर्स ऐप से, और वो बायर की सारी चीजें, जैसे कस्टमर सर्विस हो गया, सीमलेस एक्सपीरियंस हो गया, बेटर बनाएगा। अब ये दोनों को टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी आपको सीमलेस एक्सपीरियंस देने के लिए, चाहे वो बायर्स हो या सेलर्स हो। तो वहां पर गेटवे प्रोवाइडर्स जुड़ेंगे आपके साथ, जैसे कि राजोर पे या अदर फिनटेक सर्विसेज, और इन सबको एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करने के लिए टेक कंपनीज जुड़ेंगी साथ में, और सेलर्स को एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एग्जांपल के तौर पे जोहो। तो ये चार रोल्स के साथ आप जुड़ सकते हैं ONDC नेटवर्क के साथ। पर इसमें तो यार साफ दिख रहा है कि यहाँ तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो इससे जो बिग प्लेयर्स हैं उनको क्या फायदा, बल्कि कंपटीशन बढ़ गया। और क्यों अभी ONDC इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हुआ है काम करने के लिए, ये हमने खुद ट्राई करके देखा, और इससे हमें कुछ हिडन कॉन्स भी पता चले ONDC के। आइए इन्हें समझते हैं कैसे। इसे हम समझते हैं डिलीवरी पार्टनर से। ONDC का एक पिलर जो हमने डिस्कस किया वो है इंटर
ऑपरेशन, जहाँ एक डिलीवरी ऑप्शन ना हो तो आप दूसरा सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यही पहला कॉन भी बन जाता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। जोमैटो के पास लगभग 1000 शहरों का एक्सेस है, जहाँ पर 2.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। वहीं स्विगी का देखें तो 3 लाख डिलीवरी पार्टनर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, और एस्टिमेशन के हिसाब से लगभग 10-15% ग्रोथ इन्हें हर साल देखने को मिलती है डिलीवरी या गिग वर्कर्स के अंदर। और इन दोनों का अगर हम कॉम्पिटिशन देखें लॉजिस्टिक्स कंपनीज के अंदर, तो वो डंजो है या लोड शेयर के अप्रोक्स 11,000 से 20,000 डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो कि टीयर 1 सिटीज में है। तो अगर आपको ऑर्डर करना है ONDC से, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं फिर जोमेटो और स्विगी से ही डिलीवरी लेने का, खास करके टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की मैं बात करूं तो। वहां अभी जोमेटो स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अल्टीमेटली आप ऑर्डर तो करेंगे लेकिन डिलीवरी पार्टनर भी वही रहेंगे। हाँ, शायद आपको कमीशन कम देना पड़े और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए भी ये एक फ्लेक्सिबिलिटी बन के आती है, लेकिन फिर बात वही आती है जोमेटो और स्विगी दोनों के पार्टनर्स ही आपको डिलीवर करेंगे। और जिनकी वजह से ये ONDC नेटवर्क बनाया गया है, इस डुओपोली को और ज्यादा प्रमोट करेगा उनके स्मॉल कॉम्पिटिटर्स के कंपेरिजन में, शर्त आपके शहर में कोई लोकल डिलीवरी सर्विस है। इसीलिए मोतीलाल ओसवाल ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए। हाँ, आगे जाके शायद ये चीज स्मॉल टाउन्स में काम करेगी, क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा वैसे वैसे डिलीवरी सर्विसेज और लॉजिस्टिक और ज्यादा इम्प्रूव होते जाएंगे, और डिलीवरी पार्टनर्स को भी समझ में आने लगेगा कि हम ज्यादा कमीशन क्यों दें, तो वो शिफ्ट होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो आगे जाके ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है उनके लिए भी। दूसरा सबसे बड़ा कौन आता है ONDC का, वो है सीमलेसनेस। अभी हम बायर्स ऐप के जरिए ONDC में फूड ऑर्डर करते हैं, जैसे कि पेटीएम या मैजिक पिन, जहां हमें कहीं मैप्स के कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ देखने को मिली और डिलेड डिलीवरी टाइम भी देखने को मिला, अगर मैं टायर 2 और 3 सिटीज की बात करूं तो। और याद दिला दूं, ONDC जो है वो अल्फा स्टेज में अभी प्रोग्रेसिव है, बीटा स्टेज में सिर्फ बैंगलोर और दिल्ली ही आते हैं, तो अभी ये टेस्टिंग फेज में है, तो जाहिर सी बात है ये अनस्टेबल भी है अभी। तीसरा सबसे बड़ा कौन आता है वो है अश्योर्डनेस। जब आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से बाइंग करते हैं तो आपको वहां पर अश्योर्ड का लेबल देखने को मिलता है कि ये एक असली प्रोडक्ट है और ये मैन्युफैक्चर द्वारा ही लिस्टेड किया गया है, या ये अश्योर्ड है फ्लिपकार्ट या अमेजोन की साइट्स के अकॉर्डिंग। वहां से एक सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्ड होता है एक कस्टमर के अंदर। वहीं ONDC में ये एक बड़ा चैलेंज निकल के आता है कि आपको पता नहीं है कि कौन सी सर्विसेज फेक है या रियल है, क्योंकि सारे लोग ही इस नेटवर्क के साथ जुड़े रहेंगे तो फेक प्रोडक्ट्स भी प्रमोट हो सकते हैं। तो वहां आपको सही अंदाजा नहीं लगेगा कि किस सेलर के पास कौन सी चीज असली है या नकली है। चौथा कौन ये आता है कि रिफंड्स और कस्टमर सर्विसेज एक बहुत बड़ा बर्डन है। जहां जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आपको डेडिकेटेड रिफंड्स पॉलिसीज या कस्टमर सर्विस पॉलिसीज देखने को मिलती है, वहीं ONDC में आपको सिर्फ कस्टमर सपोर्ट का एक लिंक देखने को मिलता है। तो अगर रॉन्ग चीज आपको डिलीवर की जाती है ONDC में, तो एक थर्ड पार्टी कस्टमर सर्विस आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी, वो कंपनी नहीं करेगी जिसने डिलीवर किया है। तो वहाँ रिफंड्स पॉलिसीज में भी बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आता है ONDC के अंदर। वैसे आपको क्या लगता है कि ONDC क्या इसे अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, क्योंकि बहुत से लोग अब इसका इस्तेमाल करने वाले हैं और बहुत से देश भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर और मजा लेना है तो लेट वाली वीडियो में हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था चाय वाला फ्रेंचाइजीज का, और राइट वाली वीडियो में हमारा लेटेस्ट वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।